अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय अनदर व्लॉग। तो आज जैसे कि रात से व्लॉग स्टार्ट करी, ये बारात जा रही थी तो मैंने थोड़े से क्लिप्स ले लिए। फिर अगले दिन की सुबह ही कुछ आम आए हुए थे, मैंने सोचा चलो आम की चटनी बना लेती हूँ, मीठी वाली। तो बस उसके लिए मैंने आम को छील लिया था और छील के सारे बीज को और छिलके को साइड में कर दिया और ऐसे लंबे लंबे शेप में उसको कट कर लिया। वैसे आप ट्रायंगल शेप में भी जैसे चाहो वैसे कर सकते हो। तो बस इसको कट कर लिया, चलते हैं किचन में लेकर के और आप लोगों के साथ भी रेसिपी शेयर करते हैं। तो ये मैं फ़र्स्ट टाइम बना रही थी, तो देखिए इधर आम हो गया, इधर कुछ मसाले हो गए बेसिक से, जैसे कि नमक जो कि आप लोगों को दिख नहीं रहा होगा पता नहीं क्यों ब्राइटनेस की वजह से, हल्दी मिर्च और धनिया पाउडर, थोड़ा सा सूखे मसाले थे जिसमें मेथी मंगरेल और राई और सौंफ, थोड़े से सूखे मिर्च, और फिर ये जिसके लिए चाहिए हमें थोड़ा सा चीनी या गुड़ में भी आप बना सकते हो, तो मुझे चीनी वाला ज़्यादा पसंद है। फिर उसमें से हाफ पोर्शन मैंने ले लिया था सौंफ मेथी और मंगरेल का, उसको अच्छी तरह से रोस्ट कर लेंगे, ड्राई रोस्ट करेंगे, जब अच्छे से खुशबू आने लगेगी तो उसको थोड़ा सा क्रश कर लेंगे अच्छी तरह से। तो इसको कर देते हैं साइड में, थोड़ा सा ठंडा हो जाता है, फिर करते हैं। और उसके बाद हमने ले लिया कढ़ाई, कढ़ाई में डाल दिया सरसों का तेल। जब मुझे नहीं समझ में आता है ना कि कौन सा ऑयल यूज़ करना है तो दोनों का मिक्सचर मैं रेडी कर लेती हूँ। तो यहाँ पे मस्टर्ड और रिफाइंड दोनों ऑयल ले लिया हल्का सा, जब वो हीट हो गया तो उसमें ये मैंने पचफूरन को डाल दिया और उसमें ये जो आम को हमने कट करके फर्स्ट टाइम बना रही थी इसलिए थोड़े से क्वांटिटी में बना रही थी कि कैसा बनता है। तो बस उसके लिए मैंने डाल दिया, इसको अच्छे से स्टर कर लूँगी और खुशबू इतनी अच्छी आ रही थी कि क्या बताएं, बिल्कुल अच्छा। सौंफ मेथी मंगरेल की खुशबू वैसे भी अच्छा रही है, जारी सा फ्लेवर देता है, इतनी अच्छी तगड़ी स्ट्रॉन्ग फीलिंग वाली आती है खुशबू। तो बस मैंने इसको अच्छे से स्टर कर लिया। अब स्टर करने के बाद जो थोड़े से बेसिक मसाले थे जैसे कि धनिया मिर्च और नमक हल्का सा, तो वो मैंने ऐड कर दिया। अब उसको ऐड करने के बाद इसको भी अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। फर्स्ट टाइम बना रही थी, डर भी लगा जा रहा था कि पता नहीं कैसा बनेगा, इसीलिए हमने कहा थोड़ा सा बना लेते हैं, अगर अच्छा बना तो भी ठीक, नहीं बना तो भी ठीक। तो बस इसको अब देखिए मिक्स कर लेंगे अच्छे से। अब इस स्टेज पर जो हमने ये मसालों को भूनना था, कूट के रख लिया था, उसको अब ऐड कर देंगे। सॉफ्ट मेथी मंगरेल को वो मैंने हाफ पोर्शन में इसमें डाल दिया और इस स्टेज पे सच बता रहे किचन से इतना अच्छा अरोमा आ रहा था, इतनी अच्छी फ्रेग्रेंस हो रही थी कि क्या बताएं। फिर मुझे डाउट हो रहा था कि इसमें पानी डाला जाता है कि नहीं, पता नहीं कैसा मॉइस्चर होगा कैसा नहीं। तो मैंने अम्मी को कॉल किया और फिर अम्मी से पूछा कि अम्मी इसमें पानी जाएगा कि नहीं, तो अम्मी बोली चीनी में अपना मॉइस्चर होता है वो खुद ही रिलीज़ करेगा। तो मैंने इसमें अकॉर्डिंग अपने अकॉर्डिंग जितना मुझे लगा अंदाजे से मैंने डाल दिया इसमें शक्कर और उसको भी अच्छे से मिक्स कर दिया। मिक्स करने के बाद इसको हम लोग ढक करके रख देंगे जब तक का इसका मॉइस्चर रिलीज़ नहीं हो जाता। और जब मैंने ढक दिया और कुछ समय बाद इसको जब ओपन करके हमने देगा तो सच में इतना ज़्यादा मतलब पानी अपने आप क्वांटिटी में इतना ज़्यादा छोड़ दिया हुआ था। मैंने कहा अच्छा ही हुआ मैंने पानी नहीं डाला वरना चलाते ही चलाते थक जाती। तो खैर ये देख सकते हो आप लोग कितने अच्छे से इसमें बबल्स आने स्टार्ट हो गए हैं और ये उबल सा भी गया है। तो अब इसको हम लोग हाई फ्लेम पे, क्योंकि मैंने बहुत पतले पतले स्ट्रिप्स कर काटे थे और बिना गुठली का, मतलब गुठली था बहुत सख्त वाला नहीं था, तो इसलिए बहुत ही जल्दी ये कुक हो गया था। तो मैंने कहा चलो इसका मॉइस्चर जो है उसको एब्जॉर्ब कराते हैं, तो हाई फ्लेम पे कर दिया इसको मैंने और फिर इना आ गई। हेलो, क्यों परेशान हो गई? हाँ एक घंटे पहले आई हो, कितना बजे था? बैग बैग तो उतारो, कुछ नहीं किए हमको, मिली भैया आ जाएगी तब हम खाएंगे। आप खाए? कोई नहीं खाया। सच में शेयर किए थे? किसे किए थे शेयर? एक पूरी किए थे, इसीलिए तो मैं तीन देती हूँ ताकि आप एक शेयर कर दो और दो खा लो गब्बू गब्बू। अरे मेरी सांड को देख लो, सांड को देख। अरे मम्मी अब तो चक्कर दिलवाती। फाइनली ये हो गया है रेडी हमारा, देख सकते हो इतने क्विक एंड फास्ट मेरा काम होता है। तो मैंने इस स्टेज पे ही गैस की फ्लेम को ऑफ कर दिया, देख सकते हो आप लोग कंसिस्टेंसी, क्योंकि ये अभी जब ठंडा होगा तो ये और थिक हो जाएगा और गाढ़ा हो जाएगा, तो इसलिए मैंने फ्लेम को कर दिया ऑफ और इसको रख दिया रेस्टिंग पे जब तक का ये ठंडा होता है, फिर इसको भर के रख देंगे। तो देखिए कुछ देर बाद मैं जब आई, देख सकते हो आप लोग कितने अच्छे से ये चटनी फॉर्म में बिल्कुल आ चुका है, देख लो आप लोग। फिर मैंने सोचा चलो चख लेती हूँ चीनी वीनी बराबर है कि नहीं, वैसे अब कम ज़्यादा भी होगा तो पता नहीं डाल
डाला जाता है कि नहीं, लेकिन एकदम परफेक्ट बना था। अब ले लिया मैंने एक जार, अब इसको करते हैं इसमें डीमोल्ड और इसको खाली करते हैं और लगा दिया यहाँ इनाया को काम पे। ये दिखाओ, ये और ऊपर करो फोन, इसमें भरते दिखाओ कैसे भर रही हूँ मैं। ये देखो मेरी मम्मा को आम का चटनी बना के कचौड़ी में मम्मा आराम से करो, कहीं उठ के जिगर ये भी ना पक जाए और इसका भी कोई चटनी ना बन जाए। पहले मेरी मम्मा लंच में लेकर जाना, पहले मेरी मम्मा मुझे कभी नहीं काम करवाती, अब बहुत क्या काम करी ये तो बता दो। मोबाइल इनका जान है मोबाइल। मेरी जान तो तुम हो। बस अब रुक जाओ, दिखाओ ना। तो ये हो गया सफाचट, तो ये हो गया फुल्लो। अब हम काट रहे हैं। तो देखा ना आप लोगों ने मेरा स्ट्रगल और मेरी चटनी दोनों ही कितने मज़े के थे। तो खैर ये फिर अगले दिन और कुछ शूट नहीं किया और डायरेक्ट देखिए फिर वो स्कूल से आ गई। और आज हम रात के डिनर में बनाने वाले थे बर्गर, मैंने सोचा कि चलो आज मैं बर्गर बनाती हूँ, तो जिसके लिए मैंने कुछ कुछ चीज़ें लेके रख दी हुई है। जैसे कि सबसे पहला काम मैंने किया था पोटैटो को बॉईल करके रख लिया, फिर मैंने कैरेट को कट कर लिया, हाथ से चॉप किया था कोई चॉपर यूज़ नहीं किया, फिर अनियन चॉप कर लिया, फिर फ्रोजन पीस मंगा लिया, फिर सैलेड कट कर लिया और फिर यहाँ पे थोड़े थोड़े से बेसिक मसाले जो कि पैटी में यूज़ होगा वो रख लिया। सब चीज़ें एक साथ रख लो ना तो ईजी हो जाता है बनाना। फिर हमने पैन लिया, उस पर डाल दिया ऑयल। अब ऑयल को करते हैं हल्का सा हीट और इसको साइड में रख देते हैं। ब्रेड क्रम्स को वैसे मैंने बना के पहले से ही रखा हुआ है, तो बस अब हीट कर लिया, उसके बाद उसमें डाल दिया अनियन, उसको कर लेते हैं अच्छे से सौते। वैसे ब्राउन करने की ज़रूरत नहीं क्योंकि पैटी में आपको बहुत कलर तो दिखेगा नहीं, तो बस ऐसे ही अच्छे से हल्के से सौते कर लेंगे उसको। और सौते करने के बाद अब इसमें ऐड कर देते हैं जो हमने गाजर ली थी, अगर शिमला मिर्च हो तो आप वो भी डाल दो, मेरे पास जो वेजिटेबल्स थी मैंने वो ऐड कर दिया इसमें। अब मैंने गाजर और हरी मटर फ्रोजन वाली थी तो इसको मैंने डाल दिया। अब इसको भी थोड़ा सा बस एक से दो मिनट के लिए स्टर कर लेंगे और ये देखिए सौते हो गई है हल्की सी। तो अब इसमें जाएगा कुछ कुछ मसाले, बहुत ज़्यादा भी नहीं जाएंगे, बेसिक से मसाले जैसे कि हल्दी पाउडर, नमक, लाल मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर, मतलब थोड़े थोड़े से जो मसाले मुझे मसाले बॉक्स में नज़र आते हैं ना मैं थोड़ा थोड़ा करके डाल देती हूँ ताकि ना सारे फ्लेवर्स जो है ना आ जाए और अच्छी सी खुशबू आ जाए, अच्छी सी बाइंडिंग हो जाए और अच्छा सा टेस्ट मिल जाए। तो ये रहा मेरा सीक्रेट और ये मेरा रहा टिप्स आप लोगों के लिए कि जो भी मसाले घर में आप लोगों को मिले ना आप लोग डाल दो, सच में कोई भी चीज़ बनाओ ना मस्त ही बनती है। तो बस इन सारी चीज़ों को डाल के अच्छे से कर दिया मिक्स। अब आलू को मैंने ऐसे फोक की हेल्प से अच्छे से मैश कर लिया था, उसको ऐड कर दिया इसमें और फिर ऐड करने के बाद अब इसको भी अच्छे से, लेकिन हाँ थोड़ा सा मैंने बहुत ज़्यादा मुझे ड्राई लग रहा था कि इसको बाइंड कैसे करूँगी, तो थोड़ा सा एक से दो टीस्पून के करीब मैंने पानी इसमें डाल दिया और इसको ढक करके कुछ देर के लिए पकने के लिए रख दिया। जब देखिए इसकी कंसिस्टेंसी बिल्कुल अच्छे से हो गई बाइंडिंग के उस पर हो गई, तो बस इसको अब अच्छे से अब हम लोग थोड़ा सा भून लेंगे ताकि सारे मसाले और आलू और सब का फ्लेवर एक में मिल जाए अच्छे से। तो वही मैं इसको मैश कर करके अच्छे से ताकि हमारे पीस जो हैं वो भी मिक्स हो जाए, बिल्कुल अच्छे से एक बाइंड आ जाए। तो देखिए कितना अच्छा हमारा ये मिक्सचर जो है वो रेडी हो गया। अब इसमें लास्ट स्टेज पे हम लोग डाल देते हैं हरी धनिया और इसको गार्निश कर देते हैं और इसको ठंडा करने के लिए रख देते हैं तब से 3 से 4 मिनट के लिए, जब तक ये ठंडा हो जाएगा। पंखे में मैंने रख दिया था तो ये ठंडा हो गया। अब बनाते हैं इसकी टिक्की या पैटी। देखिए कितने ह्यूज साइज के बने, 4 पैटी बनी, 4 बर्गर 4 पैटी बनी है, उतने आधा किलो से ज़्यादा ही वो आलू रहा होगा, इतने ह्यूज साइज के बने थे। फिर हमने ले लिया यहाँ पे ब्रेड क्रम्स और इनाया को थमा दिए फिर से कमान। तो ये देखिए बन गया यहाँ पे हमारा हम लोग का बर्गर, जो कि मम्मी बर्गर वगैरह में बहुत स्मार्ट हो गई आजकल अपने आप को। ये देखिए बना लिए, खुद ही है बुकड़ और
बनती भी है बुक्कड़। यहाँ पीछे मैं बैठी हूँ, मम्मी मुझसे बहुत काम कराती है। ये रॉक किचन का लुक, इनके मम्मी ने कितना फैलाया आगे पीछे दाएं बाएं हाय खाए। ये देखिए यहाँ पे हम लोग ब्रेड सब है, यहाँ पे ब्रेड क्रम्स वेजिटेबल्स ये सब है। और ये मम्मी बना रही है हम लोग का यम्मी यम्मी बर्गर। और पता नहीं ये मम्मी मटर पट्टा देखी वो डाल दी, मुझे मटर पट्टा देखी क्या जगह। और ये बना रही है मम्मी अपना बोल के, कितना अच्छे लग रहा है मम्मी का। ये देखो देखो मम्मी का मम्मी है मम्मी तो इसी पागल हो जाती कभी कभी। ये मम्मी को देखो ये बना रही है, कितना प्यारे लग रहे हैं, देखो कितने प्यारे प्यारे बना रही है एकदम बराबर भी। ये देखो ये चारों कितना बराबर बराबर। अब ये डाल देगा इसमें, ये मेरा उंगली सो फ्रेंड्स ये हो गया रेडी हमारा टिक्की। अब इसको बारी थी फ्राई करने की, तो आप चाहो तो डीप फ्राई करो या तो शैलो फ्राई करो। तो मैंने इसमें ना तो इसको डीप फ्राई बोल सकते हो ना शैलो फ्राई, ये मीडियम तो डीप फ्राई के करीब का कुछ कुछ था। तो बस इसको अब क्रिस्पी होने तक का थोड़ा लो टू मीडियम फ्लेम पर आप इसको क्रिस्पी होने तक का कर लेंगे फ्राई। और यहाँ पर मैंने बंस को कट करके रख लिया हुआ है। अब इसमें डालेंगे इसकी सॉस पहले रेडी करेंगे, जिसे वैसे मैंने पिज़्ज़ा सॉस इसमें डालना मैं भूल गई थी, मेरे पास था लेकिन मैं भूल गई थी, बाद में मुझे याद आया। तो मैंने मेयोनीज लिया था 2 टीस्पून के करीब, और उसमें थोड़ा सा केचप चिली फ्लेक्स डाल के ऐड कर दिया। वैसे शादियाँ भी, हाँ एक चीज़ मैं बताना भूल गई कि शादियाँ बीत चुकी हैं, तो अब आप लोगों को हमारी रेसिपीज ऐसे बैक टू बैक देखने को मिलेगी और सीखने को मिलेगी और फिर इंजॉय करने को मिलेगी कि आप भी बनाओ घर पर और टेस्ट करो। तो ये देखिए मैंने इसमें सॉसेजेस सारे मिला लिए थे। अगर पिज़्ज़ा सॉस आपके पास हो तो आप डेफिनेटली उसको मिलाइएगा, बहुत ही अच्छा टेक्सचर और टेस्ट दोनों आने वाला है। तो ये हो गई सॉस रेडी, और ये देखिए कितने अच्छे से गोल्डन क्रिस्पी फ्राई हो रहे थे। और हाँ ये थोड़े थोड़े से क्रैक्स हो रहे थे, लेकिन कोई डरने की बात नहीं थी, वो अलग नहीं होने वाला था। तो देखिए कितने मस्त से करारे करारे एकदम ऐसे खर खर आवाज़ आ रही थी, ऐसे थे क्रिस्पी एकदम। तो बस मैंने चारों को बारी बारी से एक एक करके, क्योंकि मेरी छोटी कढ़ाई थी तो मैंने उसको एक एक करके ही फ्राई किया अच्छे से। और मैं साइज़ देख रही थी कि एकदम परफेक्ट साइज की ये देखिए बन चुकी थी, जितना बड़ा हमारा बन था उसी साइज का हमारा टिक्की भी एकदम रेडी हो गया। तो अब हो गया सारी चीज़ें रेडी, अब बारी थी असेंबलिंग की। तो सबसे पहला काम ये सॉस जो हमने रेडी किया हुआ है वो डालूंगी, वो लगाऊंगी, स्प्रेड करूंगी इस पर। अगर आपके पास लेटस हो वो डाल लीजिएगा, पत्ते गोभी हो तो वो भी आप बड़ा बड़ा लेटस की तरह यूज़ कर सकते हैं। मेरे पास पत्ता गोभी था लेकिन वो ना येलो हो गया था तो मैंने उसको अवॉइड कर दिया। तो अब यहाँ पर हम लगा लेते हैं ये सॉस को, और उसके बाद सॉस के बाद अब देखते जाइए आप लोग स्टेप बाय स्टेप की क्या क्या करती हूँ। तो ये हो गई फाइनल असेंबलिंग, और ये हो गया हमारा बर्गर।
बिल्कुल रेडी खाने के लिए। देख सकते हो लुक्स वाइज सो अमेजिंग, सो टेस्टी, सो डिलीशियस। आप भी घर में ट्राई कीजिए और KFC से अच्छा और टेस्टी बर्गर घर में खाइए हेल्दी। और जैसे जैसे आपको चीज़ें चाहिए उस अकॉर्डिंग आपको मिल जाएगा। तो देखिए बढ़िया सी हो गई थी हमारा बर्गर रेडी। तो इसी बात पे हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए जो लोग बिना सब्सक्राइब पर देख रहे हैं। उसके बाद अगले दिन सुबह ही उनके नए स्कूल से वापस आते हुए देखो देखो ड्रामा देख लो। आ जल्दी से इनाया, तुम्हारी हिंदी और मैथ की बुक कहाँ है? कहीं स्कूल में तो नहीं छोड़ दी? अरे सॉरी कॉपी है? नहीं वो मैम ली है। मैम ली है क्यों? क्योंकि उनको होमवर्क देना है। काजी मैम कही है कल से सबको नई कॉपी लेके आनी है मैं। और नहीं तो होमवर्क थोड़ा मिलेगा तो आप लोग ज्यादा खेलोगे ना, इसलिए कल से नई कॉपी लेके आनी। सही तो कही है, नई कॉपी लेके जाओगे ढेर सारा होमवर्क मिलेगा। चलो ठीक है। तो आज हम बना रहे थे, आज फिर शाम का टाइम था और शाम को ही डिनर बना रहे थे। तो आज हम बनाते चिकन चिल्ली, जिसके लिए मैं मसाला यहाँ पे भून रही थी, बेसिक मसाला, थोड़ा सा टमाटर वगैरह डाल करके भून रही थी। यहाँ प्याज शिमला मिर्च को फ्राई कर लिया था, यहाँ पे सबको एक साथ डाल दिया, चिकन को फ्राई कर लिया था, थोड़ा सा कॉर्नफ्लोर और रेड चिली पाउडर और हल्दी पाउडर और थोड़ा सा नमक डाल करके फ्राई कर लिया था। और इसकी जो मेन शॉट थी वो लेना भूल गए। और अगले दिन सुबह मेरे किचन का हाल इनाया को स्कूल पहुंचाने के बाद कुछ इस तरह से था। तो बस आज का व्लॉग यहीं पे एंड करते हैं। होपफुली आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर पसंद आया होगा तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में जल्दी ही। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। तो हमें याद रखिएगा।